ब्लॉक ऑफिस के साइड में जानकी विहार कॉलोनी में अवैध तरीके से कॉलोनी की खुलेआम हो रही बिक्री। जानकी विहार कॉलोनी का मालिक अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके अवैध तरीके से कॉलोनी को बेच रहा है, जिसमें शासन का कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ना ही कॉलोनी में पक्की सड़क है, ना ही नाली है, ना ही बिजली और ना ही ट्रांसफार्मर है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही कवर्ड कैंपस है, ना ही टीएमसी और ना ही रेरा है। फिर भी ग्राम पंचायत के साथ सांठगांठ करके कॉलोनी का मालिक अवैध रूप से कॉलोनी की बिक्री कर रहा है। सवाल ये उठता है कि इस तरह की दबंगाई कब बंद होगी और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा। अतीब खान की रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय के ग्राम पंचायत मोखड़ में, जो कि मुख्यालय का फ्रंट है पोखड़ और काफ़ी चर्चा में भी रहने वाला इलाका है ये, तो ब्लॉक मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में अवैध कॉलोनी का जो निर्माण किया जा रहा है उस पर पंचायत भी खामोश है और संबंधित अधिकारी भी खामोश है। जो कॉलोनी के नियम रहते हैं कि बिजली यहाँ परफेक्ट होना, रोड होना, पानी होना और क्रंकेट सड़क होना, तो जो कॉलोनी काटने के जो नियम है वो एक भी नियम यहाँ इस प्लॉटिंग पे लागू नहीं है। ये कॉलोनी सीधी सीधे इलीगल तौर पर बनाई जा रही है और इलीगल ही तरीके से यहाँ प्लाट काटे जा रहे हैं। और मुझे अभी जानकारी ऐसी मिली है कि इस प्लॉटिंग को लेके पंचायत द्वारा एनओसी भी यहाँ के मालिक को दी जा चुकी है। अब वो एनओसी किस बेस पे पंचायत ने यहाँ दी है वो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि सूत्रों के अनुसार हमें ये पता लगा है कि सरपंच पति मोखड़ के द्वारा भी यहाँ रिश्वत के तौर पर एक प्लाट बुक कराया गया है। ये सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है, हमारे जो मुखबिर तंत्र है उसके द्वारा हमें पता लगा है कि सरपंच पति मोखड़ के द्वारा भी यहाँ एक प्लाट बुक कराया गया है। एनओसी देने के एवज में सरपंच पति ने यहाँ अपने नाम पर एक प्लाट बुक कराया है। उस प्लाट की कीमत कितनी है यह हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन जितनी भी कीमत है उसके आधा तौर पर वो प्लाट यहाँ सरपंच पति को मिला है, जो कि एक रिश्वत के तौर पर वो प्लाट इन्हें यहाँ मिला है। तो एनओसी लेने के बजाय एनओसी जो चाहिए था यहाँ के मालिक को, तो उनने एनओसी के एवज में सरपंच पति के नाम पर यहाँ प्लाट किया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा भाई आप दिखाइए कैसे कैसे क्या प्रॉपर्टी का नक्शा है। जो एक कॉलोनी में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ जल की व्यवस्था है, ना जल पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना सीसी रोड है, ना गार्डन है, ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जो एक कॉलोनी में होनी चाहिए थी। तो यहाँ जो टोटल काम चल रहा है वो रिश्वतखोरी पे चल रहा है और रिश्वतखोरी के एवज में ही यहाँ पंचायत द्वारा इन्हें एनओसी प्रदान कर दी गई है, जो सरासर इलीगल है। अब मैं News 21 के माध्यम से उन अधिकारियों से ये पूछना चाहूँगा कि इस अवैध कॉलोनी पर उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर रिश्वत लेके ये मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे बने रहिए, आगे और कंटिन्यू इसके बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा और इस घटना से जो भी व्यक्ति है जिसके द्वारा एनओसी दी गई है, सरपंच पति जो अपनी यहाँ तानाशाही चला के एक प्लाट के जरिए यहाँ प्लाट अपने नाम पे करवा के जो एनओसी दे दिए हैं इस प्लाट के मालिक को, तो ये देखना इंटरेस्टेड रहेगा कि ये पंचायत सिर्फ भ्रष्टाचार से चल रही है या सिर्फ रिश्वतखोरी में ये कॉलोनी इलीगल काट दी जाएगी। मैं आतिफ खान, ब्यूरो चीफ, News 21। इस वक्त हमारे संवाददाता अतीब खान जी जुड़ चुके हैं। जी अतीब खान जी, बताइए इस मामले में क्या अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जांच की गई है? जी मैडम, मैं इस मामले को लेकर अभी खुलासा करना चाहता हूं कि तहसीलदार मैडम के द्वारा अभी आज ही पटवारी को इस मामले को लेकर एक खबर प्रेषित की गई है और कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन परंतु अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई हुई नहीं। जी, क्या इस मामले में अभी तक कोई और खबर सामने आ रही है? मैडम, इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार हमें खबर आ रही है कि इस कॉलोनी के जो मालिक है, ये जो जानकी विहार कॉलोनी है, उसमें जिस किसान के द्वारा इन्हें जमीन बेची गई थी उसमें सिर्फ एक एकड़ जमीन की ही रजिस्ट्री है, लेकिन जानकी विहार कॉलोनी के मालिक के द्वारा सारे प्लाट वहाँ बेच चुके हैं। जब एक ही एकड़ की रजिस्ट्री है लेकिन प्लाट सारे ही वहाँ बिक चुके हैं, तो टोटल ही इलीगल तौर पर वहाँ प्लाट काटे और बेचे जा चुके हैं। जी, और इस मामले में संबंधित अधिकारी जो हैं उनका क्या कहना है? मैडम, अभी तक संबंधित अधिकारी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहे, खामोश बैठे हैं। बस स्टेट हेड साहिल सर के द्वारा तहसीलदार मोकड़ से भी इस मामले में बात की गई थी। तहसीलदार मोकड़ के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सख्त से सख्त इस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है। जी जी अतीब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।